जब मैं एक घंटा पढ़ाऊंगा ना, तो जो पांच पागल बच्चा है ना, पागल बच्चा जो पांच बैठा हुआ किसी ना किसी इंडिया के कोने में, वो फिर भी साला 10 घंटा पढ़ेगा। ऐसा नर्क जिसमें हर दिन तुम घुटोगे, कंटिन्यूअस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अभी इस अभी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, किस्मत में संघर्ष कराया ना, उसका पेन नहीं जाए। तो परफेक्शन और इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। और मैं भी रोने वाले लोग हैं ना, तो कहते हैं टाइम मैनेज नहीं हो रहा, इतने इतने घंटे का लेक्चर ले लेते हो सर आप, उसके बाद हमारा नोट्स नहीं बन पाता। बेटा ठीक है, आपका नहीं बन पाता, किसी और का बन रहा है क्या? किसी एक का बन रहा है क्या? चाहे बच में कितने बच्चे, एक का बन रहा है क्या? मतलब एक आध परसेंट का तो बन ही रहा होगा, 2-4-500 लोग होंगे जिनका बन रहा होगा, लेकिन हमारा तो नहीं बन रहा। तो फिर पेपर आप ही दोगे कि वो भी देंगे? सिलेक्शन किसका हो जाएगा? अगर एक लोगों का भी टाइम मैनेज हो रहा है, वो कर पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे, इसमें आपकी गलती है, एक्सेप्ट करिए इसको। आप मुझे बताइए, आप बैठ के रोते हैं कि फिजिक्स के लेक्चर में मुझे 3 घंटा लग गया, 3.5 घंटा, 4 घंटा लग गया। हाँ, तो 24 घंटे में 4 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो, तो एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है, देना चाहिए। जितना कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, रोज 40 पेज में पढ़ा के जाता हूँ, 36 पेज पढ़ा के जाता हूँ, अगर तुमको 4 घंटा लगता है उसको नोट्स बनाने में, अच्छे से रिवाइज कर लेने में, समझ लेने में, तो क्या बुराई है? इस चक्कर में नोट्स बनाना ही छोड़ दोगे? ठीक है, 2 घंटे में तुमने पढ़ लिया, नोट्स नहीं बनाए, ठीक है 2 घंटे में तुमने पढ़ लिया, 22 घंटे बचे, फिर क्या करोगे? रिवीजन भी करना है, ठीक है 2 घंटे फिर इसका रिवीजन कर लिया आप, तो 2 घंटे में नहीं होता, कैसे नहीं होता, रोज 2-2 घंटे करोगे तो बहुत कुछ होता है। 4 घंटे बायोलॉजी पढ़ेगा, 16 घंटे बचे, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेगा, 12 घंटे बचे, अब 12 घंटे में सो, जो करना कर, 2-3 घंटे और नोमेडिकल का निकाल दे। हाँ, मुझे पता है ऐसे बात करना आसान है, जब हम करने जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आती है, लेकिन अगर 1% बच्चा भी मैनेज कर पा रहा है तो आपको करना पड़ेगा। और दुनिया में ना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना, या फिर नेसेसरी काम जो हर इंसान को करना ही पड़ता है एक बार, उसको बिना किए हुए आप सफल हो ही नहीं सकते, एक बार आपको कभी ना कभी लाइफ में करना ही पड़ेगा, उसी का नाम है संघर्ष। और 90% लोग उससे बचना चाहते हैं, और जितने भी ये रोने वाले लोग हैं ना, टाइम का जो रोना रोते हैं, रिवीजन का जो रोना रोते हैं, दो चीजें होती है बेटा, उसकी फिक्र करना और उसको लेकर रोना, दोनों अलग बातें हैं। आप फिक्र कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको पता है कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको अपने अंदर की कमियां पता है, आप उस पर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर रोना नहीं है, भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, सुधार करना है हमेशा, उस पर काम करना है। और याद रखिएगा, अगर आज आप संघर्ष से बच जाएंगे, कल नहीं बचेंगे, कल नहीं बचेंगे, कल अगर बच गए तो परसों नहीं बचेंगे। और अगर पूरे जीवन आप संघर्ष से बचते चले गए, फिर आपका जीवन जीवन नहीं रहेगा, वो नर्क बन जाए, और ऐसा नर्क जिसमें हर दिन तुम घुटोगे और बोलो काश मेहनत कर लिया होता, काश मेहनत कर लिया होता। साहब ये लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का सबसे बड़ा लॉ है कि तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कब करोगे पे डिपेंड करता है, तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है। और याद रखना, अगले साल का ठंड ज्यादा, अगले साल ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस अभी, वो करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक ही बात है, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस करना मतलब आपका तुरंत अभी मन करा, नहीं अभी सो लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, यही तो है जो आपको संघर्ष से रोकता है। 1 घंटे घूम लेते हैं, 1 घंटे घूम लेंगे, 3 घंटे तक दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, 10 मिनट सो लेते हैं, 5 मिनट वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, यही तो है इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस। आपको इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अभी अभी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अभी को सेक्रीफाइस करके आप संघर्ष करेंगे ना, तभी आपका कल बहुत सुनहरा होगा। अभी को जस्ट इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस, ये वर्ड पकड़ो, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस, अभी अभी को सेक्रीफाइस करना है, अभी क्या कर रहा हूं उसको सेक्रीफाइस करना है, अभी अभी मेरा मन कर रहा है कि एक 15 मिनट का कोई वीडियो देख लेते हैं सॉन्ग का, उसको सैक्रिफाइस करना है, अभी मेरा मन कर रहा है कि दोस्त से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते, नहीं उसको सैक्रिफाइस करना है, अभी मेरा मन कर रहा है नीचे घूमने चला जाऊं, नहीं उसको सैक्रिफाइस करके संघर्ष करना है, पढ़ाई करना है अभी को। और तुम छोटे छोटे इंस्टेंटेनियस सैक्रिफाइस करते चले गए ना, इंस्टेंटेनियस सैक्रिफाइस, छोटा छोटा इंस्टेंटेनियस सैक्रिफाइस, मेरा मन ये कर रहा है, देखो क्या वो मेरा मन पढ़ने का कर रहा है, तो पढ़ना नीट क्वालिफाई होगा, इसको सैक्रिफाइस मत कर देना,
तुम्हें पता है तुम बच्चे नहीं हो, दसवीं सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, नौवीं दसवीं क्लास के बच्चे नहीं हो, इलेवेंथ क्लास के बच्चे भी नहीं हो, तुम ड्रॉपर हो। तुमने ऑलरेडी एक बार फेल हुआ है, तुम हो चुके हो फेल एक बार। उस फेलियर से सीखो, जो कमी रह गई थी उसको पूरा करो, एक्सेप्ट करो और इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस करो, संघर्ष करो। नहीं करोगे तो लॉ ऑफ नेचर है, करा लेगा तुमसे। और मैंने पहले भी कहा है कि अपनी मर्जी से संघर्ष कर लोगे ना, वो उतना पेनफुल नहीं होगा, उसमें प्लेजर आएगा कि हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूं क्योंकि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मेरा फ्यूचर बनाना है। लेकिन जब नेचर ने तुमसे संघर्ष कराया ना, किस्मत ने संघर्ष कराया ना, उसका पेन नहीं जाएगा। रोना छोड़ दीजिए। मैं अगर जितना पढ़ा रहा ना, मैं 10 घंटे तक पढ़ाऊंगा ना, तो भी तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 10 घंटे पढ़ाऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं कोने में 4-5 बच्चा बैठा हुआ दुनिया के, वो कर रहा है, वो पागल आदमी वो कर रहा है। और अगर तुम नहीं कर पाए तो फेल हो गए। अब मैं 1 घंटा पढ़ाऊं, सब बच्चे कर लिए, ये सिलेक्शन सबका होगा? नहीं। जब मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा ना, तो जो 5 पागल बच्चा है ना, पागल बच्चा जो 5 बैठा हुआ किसी ना किसी इंडिया के कोने में, वो फिर भी साला 10 घंटा पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? सर आपने 1 घंटा यहां से पढ़ाया, कहीं ना कहीं से मुंह मारेगा, क्वेश्चन करेगा जाके, कहीं ना कहीं जाके मुंह मार रहा होगा। तुम्हें तो लगेगा कि मास्टर ने 1 घंटा ही पढ़ाया, हमें तो इतना ही पढ़ना है, तू तो अलग किसी कोने में बैठा हुआ है, तुम्हें तो लगेगा मास्टर ने इतना ही पढ़ाया, मुझे तो बस इतना पढ़ना है। और तुम उतना पढ़ के नोट्स बना के लाल पीले कलम हरे कलम से नोट्स बना के खुश हो गए। लेकिन वो जो 5 बच्चा है ना, वो पागल है, वो कहीं ना कहीं कोने में बैठ के ना मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं कोने में बैठ के मेहनत कर रहा है। अगर मैं 5 घंटे पढ़ाऊं तो भी वो पढ़ रहा है, अगर मैं 7 घंटे पढ़ाऊं तो भी वो पढ़ रहा है। गजब पागल है यार, तो जरूरी है पागलपन। आप तो या तो आप इनबॉर्न बहुत टैलेंटेड है, 4 घंटा पढ़ के आप डॉक्टर बन सकते हैं, हाँ अगर बहुत टैलेंटेड है तो। नहीं, आप मंदबुद्धि है, दिमाग से पैदल है, तो 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ रहा होगा। बात समझे, मैं 2 घंटा पढ़ाऊ ना तो ये 20,000 बच्चों को, 25-30,000 बच्चों को लगेगा कि हाँ 2 घंटा मास्टर पढ़ा रहा है, बढ़िया हमने पढ़ लिया, मेरा होमवर्क पूरा, होमवर्क पूरा करने के लिए पढ़ रहा है क्या? तो 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में वो कहीं 5 बच्चा जो इंडिया कोने में बैठा हुआ है, वो अभी भी 10 घंटा पढ़ रहा है, पागल है वो, बहस बहस कर रहा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भाई। तो बेटा पढ़ो, नहीं हो रहा मैनेज ना, करो करो, देखो कि और कहां से समय तुम निकाल सकते हो, देखो रफ्तार कैसे बढ़ा सकते हो, देखो सोचो एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो, कट आउट करो कहीं से, सोशल लाइफ से अलग करो अपने आप को। सोशल लाइफ का मतलब सिर्फ सोशल नेटवर्क साइटी नहीं होता है, सोशल लाइफ का मतलब होता है आसपास के रहने वाले लोगों से भी अपने आप को अलग करो, अपनी फैमिली से अपने को अलग करो, जहां तुम्हारा समय खराब हो रहा है वहां से अपने आप को अलग करो, अच्छे इंटेंशंस के साथ मेहनत करो। तुम्हें ये 24 घंटा बहुत ज्यादा लग रहा है,